तो फ्रेंड्स आज मेरे पास आई हैं अरुंदीप बुक्स की तरफ से सेल्फ हेल्प टू आईसीएसई के रिवीजन पेपर्स। मेरे पास ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स एंड बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बुक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और अगर आप ये खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स की बुक दिखा देता हूँ। तो फिजिक्स की बुक में सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ओएमआर शीट इंस्ट्रक्शंस। वैसे आपको ओएमआर शीट तो नहीं मिलने वाली लेकिन इन्होंने दिया हुआ है, और जिस किस सब्जेक्ट की इनकी बुक्स आती हैं इन्होंने ये दिया हुआ है। इसके बाद आपको सिलेबस देखने को मिलता है, फिर बायफर्केटेड सिलेबस, उसके बाद आपको कंटेंट्स देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको कंटेंट्स में बता दूं क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको चैप्टर एट अ ग्लैंस एंड क्वेश्चन बैंक, आपको पांचों चैप्टर की इसमें पहले क्वेश्चन बैंक देखने को मिलती है, फिर करीबन 10 मॉडल टेस्ट पेपर विद बोर्ड स्पेसिमेन पेपर इसमें आपको देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर्स होंगे जो कि अक्टूबर में रिवाइज हुए थे। देखिए मैं सबसे पहले आपको चैप्टर वन का चैप्टर एट अ ग्लैंस दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको काफ़ी सारे जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो आपको इसमें दिया हुआ है, जैसे कुछ मोमेंट्स ऑफ कपल के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको इसमें दिए हुए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, और फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये रिविजन पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी बुक रहेगी। देखिए मैं अगर आपको टोटल MCQ बताऊँ चैप्टर वन में, तो टोटल MCQs में करीबन 79 है और पार्ट्स है काफ़ी सारे क्वेश्चंस के, तो आप समझ सकते हैं करीबन 150 प्लस क्वेश्चंस है। जैसे इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं ऐसे इसमें करीबन आपको 150 से ऊपर क्वेश्चंस ही चैप्टर वन में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही फिर आपको और चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं मशीन्स, फिर ऐसे कुछ मल्टीपल चॉइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो हर चैप्टर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप आराम से एक महीने के अंदर उसको कर लेंगे, उससे पहले ही आप इसको कर लेंगे। फिर हम मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिखा देते हैं, जैसे मैं मॉडल टेस्ट पेपर 5 दिखा देता हूँ आपको, चूंकि पेज नंबर 71 पे है। ओके तो ये मैं मॉडल टेस्ट पेपर 5 पे आ गया हूँ। तो देखिए मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको इसमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, ये जो इनके टीचर्स होते हैं, जैसे ये सनी छाबरा ने बनाया है, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं ये, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर्स इनको बनाते हैं और क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जैसे आपके बोर्ड के स्पेसिमेन पेपर में आया था उसी तरीके के आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस बुक में बस आपको इतना ही देखने को मिलता है। इसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर और हर चैप्टर की क्वेश्चन बैंक। अगर मैं टोटल चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, सॉरी टोटल पेजेस के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर्स के भी आंसर्स सब देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको टोटल 100 पेजेस देखने को मिलते हैं एक्सक्लूडिंग द आंसर शीट्स। तो 100 पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी पोर्टेबल बुक है, आप इसको कैरी कर सकते हैं आराम से स्कूल में भी कहीं भी। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, जैसे हमने और क्वेश्चन बैंक्स देखी हैं बड़ी होती हैं काफ़ी, लेकिन ये नहीं है, ये फिजिक्स की है और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल भी है। 100 पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस है 109। अगर आप मेरे दी गई लिंक से खरीदेंगे इन 8 बुक्स को तो आपको टोटल सेट 740 रुपीज़ का पड़ जाएगा, यानी 100 रुपीज़ से भी कम की आपको एक बुक पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बायोलॉजी को देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसका बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं देर करता हूं तो फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए इसके भी हम लोग कंटेंट्स में आ जाते हैं। देखिए कंटेंट्स में आपको यहाँ पे चैप्टर एट अ ग्लैंस एंड क्वेश्चन बैंक और फिर मॉडल टेस्ट पेपर इसमें भी देखने को मिलते हैं। चैप्टर एट अ ग्लैंस में वही कंसेप्ट है आपके। अगर मैं चैप्टर वन के MCQ के बारे में बात करूँ तो चैप्टर वन में टोटल MCQ आपके बायोलॉजी में है अराउंड 50 MCQs में इन्होंने दिए हुए हैं चैप्टर वन में, लेकिन 50 के भी आपको काफ़ी सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं अराउंड 75 प्लस MCQ आपको चैप्टर वन में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं टोटल पेजेस के बारे में बुक में बात करूँ तो टोटल पेजेस बुक में है 125। इसमें आपको टोटल पेजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस भी 109 है। मैं आप डिस्क्रिप्शन से अगर जो लिंक दी है अगर वहाँ से खरीदेंगे तो आपको 742 रुपीज़ में 8 पूरी ये बुक्स का सेट मिल जाएगा। चलिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक का हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको कोई क्वेश्चन बैंक्स देखने को नहीं मिलती है। देखिए मैं आपको एक बार कंटेंट भी दिखा देता हूँ। तो मॉडल टेस्ट पेपर इसमें आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। मॉडल टेस्ट पेपर 10 काफ़ी होते हैं, आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम से एक या दो दिन पहले भी अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जैसे मॉडल टेस्ट पेपर 4 है तो इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू मॉडल टेस्ट पेपर 5। मॉडल टेस्ट पेपर 5 थोड़ा ज़्यादा इससे डिफिकल्ट होगा और कुछ इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर मैं इस बुक के प्राइस के बारे में बात करूँ तो इस बुक का प्राइस है 109। चलिए अब इंग्लिश लैंग्वेज की बुक को देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक में भी आपको सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर्स ही देखने को मिलते हैं, इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन बैंक देखने को नहीं मिलती। 10 मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी काफ़ी अच्छी है विद आंसर्स है, ध्यान रखिएगा। कहीं आपको कोई QR कोड स्कैन करके आंसर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही आपको आंसर्स वंसर सब दिए हुए हैं। अगर मैं टोटल प्राइस के बारे में बात करूँ तो 109 इसकी प्राइस है। चलिए अब हम लोग भरते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलती है। तो अभी तक हमें क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स में आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिल चुकी है। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलती है। इसके अंदर भी आपको वही चैप्टर एट ए ग्लैंस और क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें आपको अराउंड 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं विद आपको इसके अंदर काफ़ी सारे वो भी देखने को मिलते हैं, जो आपके पार्ट्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको एक और बार इसका कंटेंट सिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो देख सकते हैं आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको चैप्टर टेक्लेंस, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स भी देखने को मिलते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक, चैप्टर टेक्लेंस एज वेल एज मॉडल टेस्ट पेपर्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में भी आपको सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक देखने को नहीं मिलती। मेरे हिसाब से ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर ही आपको इसमें देखने को मिलने चाहिए थे, क्वेश्चन बैंक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपनी पूरी बुक सॉल्व कर ली है तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर क्वेश्चन बैंक का। ऐसे आपको इसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलते हैं। बोर्ड का ICSE स्पेसिमेन पेपर भी है जो सॉल्व है, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी टाइपोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन आंसर्स तो नहीं देखने को मिलते। ये थोड़ा इसका सही चीज़ नहीं है कि इसका आपको किसी बुक के अंदर भी एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। चलिए ये हिस्ट्री सिविक्स की बुक है। तो इस हिस्ट्री सिविक्स की बुक में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल इसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, वही आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं हर मॉडल टेस्ट पेपर के। अगर मैं इस बुक के प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस 109 रुपीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। तो मैंने आपको आपके जितने सब्जेक्ट्स होते थे सबका दिखा दिया। हिंदी या कंप्यूटर की अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं करी है और मुझे पता भी नहीं है कि वो लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी जो सब्जेक्ट्स की 8 सब्जेक्ट्स की बुक थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो इसका आप डिटेल्ड रिव्यू का तो इंतज़ार करिएगा, मैं एक बार इसका डिटेल्ड रिव्यू और बनाऊंगा तो आप उसका इंतज़ार करिएगा, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियोस भी दूंगा हर बुक के। तो वो वीडियो 2nd of November को आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर आपको जितने आपके पब्लिशर्स की बुक्स होती है, MCQ, मॉडल टेस्ट पेपर्स, जितने पब्लिशर्स की, एडूकार्ट से लेके अरुणदीप तक जितने पब्लिशर्स आते हैं हमने सबकी मंगाई है, एज वेल एज एग्ज़ाम 18 की भी। तो वो भी आप ज़रा देखिएगा, 2nd November को आएगा। आप अपने में इवेंट्स सेट कर लीजिए अपने कैलेंडर में। आप ध्यान रखिएगा 2nd November को सुबह 8 बजे करेक्ट हमारा वीडियो डिक्लेयर आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।